शमाने भैया गीत अगर पसंद आए मेरा या मेरे भाई का तो आप लोग करतल ध्वनि से आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इससे हम लोगों को रास्ता मिलता है, आप लोगों को पसंद आ रहा है या उसको मैटर को बदला जाए। आइए, बिल्कुल बिल्कुल कटपीस ही गा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा कटपीस काया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या सम्मानी बड़े भैया कि कागज कलम दबा दिले कर किस्सा लिखे कोई भाई। और ये सबका परिचय करा दूं, ये मेरे बड़े भाई सम्मानी श्री अशोक विश्वकर्मा जी हैं, और ये जो हमारे साथ कोरस पर साथ दे रहे हैं सम्मानी बड़े भैया भैया श्री विक्रम सिंह बुंदेला जी, जो स्वयं एक अच्छे कीर्तनकार हैं, और हमारे साथ हमारे भैया हिसाबी भैया विसंगत कर रहे हैं, और विषम परिस्थिति में क्योंकि एक भूचाल आया साथ छोड़ दिया सभी ने मेरा, तब मेरे गुरुवर और बड़े भैया सम्मानीय भैया हमारे देवेंद्र तिवारी जी ने साथ दिया, और उसी तारतम्य में बड़ी परिस्थिति में मेरे साथ दिया है हमारे भैया भैया श्री हेमंत द्विवेदी उर्फ नटकट भैया ने, जो आज मेरे साथ रचनाकार के रूप में उपस्थित हैं। सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। आइए कहना है जब से तुझको मैटर है।
एक शाबाश सपना संजोए हमारे माननीय सम्मानी सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी अपनी आंखों में एक सपना संजोए थे और जब वो सपना पूरा हुआ तो वो समय आया और वो समय लाया है सुंदर सुखद घड़ी आए हैं हमारे माननीय सम्मानी नरेंद्र मोदी जी ने। जब वो समय आ गया तो आज खुश है सभी देश के नागरिक। तो जब देश के नागरिक खुश हैं तो सारे वीर जवान सैनिक मोदी जी से कहने लगे क्या के मोदी जी से कहने लगे माननीय सम्मानी मोदी जी से कि आप श्रीमान जी भारत के जो कार्य अधूरे हैं आप तन मन धन से पूरे करिए। हम सारे सैनिक तो साथ हैं ही, सारे देश की जनता सारे नागरिक तन मन धन से आपके साथ हैं। जब साथ हैं किसी का हमारे माननीय सम्मानी भैया शंभू भैया गाते हैं तो किसी की दुआएं लड़ती हैं तो किसी के तीर तलवार लड़ते हैं। क्या बात है। तो नागरिक दुआएं से लड़ रहे हैं और सैनिक अपने बंदूक से लड़ रहे हैं। कहने लगे क्या? कि आप केवल आगे रहिए, हम आप सभी के पीछे हैं, सभी हम आपके पीछे हैं। तो कहने लगे क्या? मैं किसी आत्मा दिल को झुकने नहीं दूंगा, मैं किसी आत्मा दिल को दुखने नहीं दूंगा, बढ़ाए जा कदम अपने कभी रुकने नहीं दूंगा। मैं सैनिक हूँ हिंद की सीमा पर, मैं सैनिक हूँ हिंद की सीमा पर, सर अपना कटा सकता हूँ पर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। जब ये बात सैनिकों के मुखारविंद से मोदी जी ने सुना, जब सुने तो उन्होंने वो कार्य कर दिया, वो कार्य कर दिया, वो समय आ गया। तो कहना है बड़े भैया मुकेश भैया से, जब सुंदर सुखद समय आया, अगर पंक्तियां अच्छी लग जाएं तो सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी और हमारे प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हैं, सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। आइए तर्कस से अमित शाह के निकला है एक तीर, तर्कस से अमित शाह के निकला है एक तीर, उस तीर ने बंधन से मुक्त कर दिया कश्मीर, उस तीर ने बंधन से मुक्त कर दिया कश्मीर। आतंकियों का डेरा कश्मीर नहीं है, उनके बाप की जागीर नहीं है, क्योंकि वो उनके बाप की जागीर नहीं है, क्योंकि वो उनके बाप की जागीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बाप की जागीर नहीं है। तो एक समय और आया, क्योंकि वो उनके बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर में आजादी का अब रंग आए, मुकेश भैया सुनिएगा इस पंक्तियों को। कि 370 धारा में घुट चुके साले हैं 70, तीन सौ सत्तर धारा में घुट
370 के आगे अपना किसी से कोई बैर नहीं, फिर भी अपना किसी से कोई बैर नहीं, पर जो कि पर जो बैर करे तो उसकी खैर नहीं, पर जो अपना किसी से कोई अपना किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन बैर जो करे तो उसकी खैर नहीं। हिंदुस्तान की ओर रुख मोड़ दिया है कार्यक्रम में, सुंदर 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 चार पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं भैया श्री मुकेश मृदु जी को। हिंदुस्तान वो धरती है, भगवान 24 बार अवतार लेते हैं, लेकिन 24 में 24 के 24 अवतार हमारे भारत भूमि पर ही होते हैं। कोई अवतार चीन में नहीं हुआ, कोई अवतार अफगानिस्तान में नहीं हुआ, ईरान में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश की धरती का कुछ ऐसा प्रभाव है। मुकेश मधुल जी, गीत कठिन है ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपका एक टुकड़ा भी बहुत कठिन था जिसको निर्वाह करने की नीलम जी ने कोशिश की है, पर घुंघरू बांध मीरा नाची थी। जो प्रयास किया सराहनीय प्रयास है, मंच में जो हो सकता है वो आपने किया है। नीलम जी ने भी अपनी तरफ से एक बहुत करारा तीर छोड़ दिया है, अब वो भी बिना बताए, कुछ बताया नहीं हूं मैं मुद्दिल जी आपको आगाह कर दूं, जो नीलम जी ने टुकड़ा गाया है उसमें सिंहावलोकन लगा हुआ है। 370 फिर 70, 70 से शुरू, 70 इधर वोट विपक्ष में गए, पक्ष में 370, 300 साल, 370 फिर 70 फिर 370 सिंहावलोकन, शब्दों का श्रृंखला को अंदर सुना होगा, लेकिन यहाँ आज अंकों का इस सिंहावलोकन प्रस्तुत किया है नीलम जी ने, अब वो भी राष्ट्र के लिए। थोड़ा लिखना कठिन होगा, हालांकि ये संभव नहीं है, लिखा जा सकता है लेकिन कठिन है, फिर भी आइएगा जो भी आपका प्रयास हो देखते हैं, लेकिन चार पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। वचन कल्याणकारी हो तो उसे वरदान कहते हैं, यदि वचन कल्याणकारी हो तो उसे वरदान कहते हैं, लेकिन करे कल्याण जन जन का तो उसे भगवान कहते हैं।
विश्व के जीव पलते हैं सभी, विश्व के जीव पलते हैं सभी ईश्वर की गोदी में। इन पंक्तियों के लिए ध्यान आकर्षण चाहूंगा मुकेश जी, नीलम जी। विश्व के जीव पलते हैं सभी ईश्वर की गोदी में, लेकिन पले जिस गोद में ईश्वर उसे हिंदुस्तान कहते हैं, पले जिस गोद में ईश्वर उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लीजिएगा, आपके सामने आ रहे हैं आदरणीय, अरे कोटि कोटि शुभकामनाएं आशीर्वाद है बेटा, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, आप पर हमको नाज है, पूरा कीर्तन जगत उल्टा हो रहा है। पुत्र को बाप के नाम से जाना जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन बाप को पुत्र के नाम से जाना जाए ये आश्चर्य की बात होती है। हम बहुत जगह गए तो लोगों ने कहा ये मुकेश मृदुल के गुरु जी हैं, हम कहे मुकेश मृदुल के नाम से हमको जाना जा रहा है। इसके लिए भैया प्रकोश जी आपको हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद है कि आप उत्तरोत्तर विकास करते रहें और हमारा नहीं बल्कि अपने इस बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम करते रहें। धन्यवाद, आइएगा। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, बहुत प्यारा जवाब, उससे भी प्यारा सवाल। बहुत प्यारी मेहनत की है, बिल्कुल बेटे नीलम जी, इतनी मेहनत मंच पे करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चलते हैं आपके प्यारे से खंड गीत की तरफ। चलो, कुछ लोग आज लिख बहुत बढ़िया रहे। लगी है चोट दिल में कलेजा दबाए बैठे हैं, बांस की जगह पे बल्ली लगाए बैठे हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मर्यादित मंच है, बता दिया बहुत प्यारा गीत गा के। अरे मैंने तुझको देखा के सिवा कुछ याद नहीं तेरे, नाम के सिवा कुछ याद नहीं तेरे, नाम के सिवा कुछ याद नहीं। मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं, तूने कर दिया कुछ याद नहीं तेरे, नाम के सिवा कुछ याद नहीं तेरे, नाम के सिवा कुछ याद नहीं तेरे, नाम के सिवा कुछ याद नहीं। आदरणीय नीलम जी, बहुत प्यारा गीत है, गीत को लिखने वालों को बार बार नमन है, आदरणीय हमारे गुरुदेव को बार बार नमन है, गाने वाली नीलम विश्वकर्मा जी आपको भी नमन है, लेकिन गीत जहां से आया है, शुरुआत ये कहां से हुई, जवाब के रूप में सुनिएगा। आप कह रहे हैं अपना
अपना किसी से बैर नहीं, लेकिन जो बैर करे तो उसकी खैर नहीं। लेकिन देखिए मैं माजरा बता रहा हूँ, प्रयास भी करूंगा कि सिंहावलोकन बन जाए। चंद्रमा पे पहुंच गया अपना चंद्रयान, जो तीर निकला है उस तीर के पहले भी कुछ हुआ है। ये बात, चंद्रमा पे पहुंच गया अपना चंद्रयान। क्यों पहुंचा? क्यों? चंद्रमा पे राज करेगा मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। जो बात ना घटने वाली वो बात घटा दी जियो बेटे मोदी जी ने। जो बात ना घटने वाली वो बात घटा दी मोदी जी ने। इस देश से तीन तलाक हटा दिए, तीन तलाक हटा दी। और इतना ही नहीं, ऐसे होते हैं जवाब। पैरों में पड़ी थी वो जंजीर कट गई, हम लोगों के पैरों में, पैरों में पड़ी थी वो जंजीर कट गई। 370 साथ पैतीस ए भी हट गए, से भी हट गई। और जब हट गई तो सुनिएगा जवाब क्या बने? आखिर ये 70 साल में ही क्यों हटी? ये बात के 70 साल से झेल रहे थे। एक लाइन सुनना और जो सिंहावलोकन लगा है वो भी सुनना। आदरणीय नीलम जी, 70 साल से झेल रहे अलगाववादियों के पत्थर, क्या बात, क्या बात। 70 साल से झेल रहे अलगाववादियों के पत्थर, और ये पत्थर खत्म कब हुए? कब? पत्थर पत्थर खत्म हुए जब हटी देखो 370। पत्थर खत्म तब हुए जब हटी देश से 370। अब देखिए 370, अरे 370 से 3 हटा दो। लिखो और 3 हटा दो, कितने बचे? 70। अरे 370 से 3 हटा दो बचेंगे केवल 70। तो 70 सालों में आज मिल गए। 70 साल हो गए, 70 साल में आज मिले हैं काम के 370। जो काम के वोट डाले गए वो केवल 370। तो 70 साल में लोग मिले हैं काम के 370। अपना ये अपना ये अपना मेरा है अनुमान।
यही। आप कह रहे हैं कि मेरा किसी से बैर नहीं, मेरा अनुमान देखिए क्या कह रहा है। अगर ये मेरा है अनुमान यही, जो मेरा है अनुमान यही, मोदी तो रहेंगे इमरान नहीं। मेरा अपना है अनुमान यही कि मोदी तो रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी ही पता चल रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है, सिंहासन तोड़ रहा है। मोदी तो रहेंगे इमरान नहीं, मोदी तो रहेंगे इमरान नहीं। आप